जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने विधायक बिलग्राम मल्लावा आशीष कुमार सिंह आशु के साथ तहसील बिलग्राम क्षेत्र बाढ़ प्रभावित ग्राम छिबरामऊ चिरंजूपुरवा मक्कूपुरवा कटरी कटरी परसोला कटरी बिछोइया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने बाढ़ प्रभावित लोगों से वार्ता करते हुए हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन देते हुए उपस्थित उप जिलाधिकारी खंड विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को खाने पीने की वस्तुओं के अलावा हर संभव सहायता पहुंचाई जाए और अधिक बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित ग्रामवासियों से कहा कि उन्हें राजस्व एवं पुलिस टीम के माध्यम से हर जरूरी चीजों को समय पर उपलब्ध कराया जाएगा और पीड़ित लोगों को शासन से मानक के अनुरूप आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार बिलग्राम को निर्देश दिए कि बाढ़ चौकियों पर 24 घंटे लिए शिफ्टवार राजस्व तथा पुलिस विभाग की टीम की ड्यूटी लगाएं और स्वयं भी संभावित बाढ़ पर नजर रखें तथा बाढ़ प्रभावित लोगों का तत्काल सहायता उपलब्ध कराएं। निरीक्षण के दौरान जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार शारदा नहर विभाग अधिकारी आदि उपस्थित रहे। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है हमारा बिलग्राम का, उसको माननीय विधायक जी के साथ मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। यहाँ पे हम लोगों ने खाने की व्यवस्था कराई है और चारे के संबंध में कुछ बताया है यहाँ पे लोगों ने कि चारे की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो अभी हम लोग चारे की व्यवस्था करा रहे हैं। दवा के लिए यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, कैंप करा रहे हैं ये लोग। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको शिफ्ट भी किया है और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हम लोगों ने टीम का समय दिया पूरे तरीके से, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे फसल का भी जो प्रभावित क्षेत्र है वो फसल भी डूबी है, तो आकलन करके सभी जो संबंधित जो सहायता धनराशि है उनके खातों में उपलब्ध। कुछ ग्रामीणों का सर कहना है कि नाव के लिए कुछ व्यवस्था पता हो, कुछ लग व्यवस्था कराई गई? हाँ, तीन यहाँ पे नाव लगाई गई हैं, जो एक्सेस रोड कटी है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे नाव की व्यवस्था करी। अभी हम लोग भी उसी नाव से